हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो देखिए, थंबनेल में आपने देख ही लिया है किससे रिलेटेड होने वाली है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड होने वाली है कि हमारे पोर्टफोलियो किस तरीके से होना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, हमारा अगर हमारे पास 10 रुपये है तो हमें 10 रुपये किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें 10 रुपये के 10 स्टॉक लेने चाहिए या 10 रुपये का 1 स्टॉक लेना चाहिए या 10 रुपये के 5 स्टॉक लेने चाहिए। ओके, और उन 5 अगर हम 10 स्टॉक भी ले रहे हैं तो 10 स्टॉक में लार्ज कैप कितने होने चाहिए, स्मॉल कैप कितने होने चाहिए और मिड कैप कितना होना चाहिए, तो इस चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए, मार्केट में नए नए लोग है, ओके, नए लोग डेली आते हैं तो उन्हें काफी लोगों को कुछ बहुत कुछ पता नहीं होता, ओके, वो सारे पैसा एक ही चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए एज वेल एज उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा मैस कर रखा है, या फिर बात करें उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाइड नहीं कर रखा है, और अगर बात करें जैसे कि कुछ चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। और अगर बात करें आज की डेट में दो वीडियो डाली है, ओके, अभी ये एक शेयर है टाटा इलेक्सी, 10,000 रुपये का टारगेट है, याद रखना, काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक है, इसे अपन इससे रिलेटेड वीडियो है, इसे देख लेना। एक और स्टॉक वीडियो डाली है, उसे भी जाके देख लेना, अभी वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एज वेल एज एक और लिंक है यहाँ पर, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, ये इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दान दे सकते हैं और एक पुण्य का काम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो बात है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एग्जैक्टली है क्या? देखिए, पोर्टफोलियो अलग अलग चीज़ में अलग अलग चीज़ से मतलब होता है पोर्टफोलियो का। अगर बात करें हम पोर्टफोलियो की, तो देखिए हमारे स्टॉक मार्केट में कि आपके पास कितने स्टॉक है, आपने किस किस स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रखा है। अगर कोई एक्टर है तो एक्टर के पास मतलब उसकी एक्टिंग का क्या क्या पोर्टफोलियो है, अगर कोई मॉडल है तो उसकी फ़ोटोज़ का क्या क्या कलेक्शंस है, ओके, इस तरीके से उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, कि उसके पास किस किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो आपके पास स्टॉक मार्केट में किस किस तरीके के स्टॉक्स है, ओके, आपके पास रिलायंस है, ओके, आपके पास TCS है, आपके पास HUL है, आपके पास मैरिको है, तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो, तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो, कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। अगर हम बात करें, अब बात करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, किस तरीके से स्टॉक होने चाहिए और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, तो किस हिसाब से हमें डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, तो अगर देखें द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक शुड बी इन अ पोर्टफोलियो, तो मतलब कितने स्टॉक होने चाहिए। देखिए, जो हमारे स्टॉक्स होने चाहिए ना, वो होने चाहिए 15 से 20। ज़्यादा स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, द मोर स्टॉक द मोर मैस, ओके, और लेस आपकी, अगर देखिए सभी स्टॉक्स को आप एक साथ चेक नहीं कर सकते, आपके स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो में जितना कम स्टॉक होंगे, ओके, आप उसे अच्छी तरह चेक कर पाएंगे, आप उसे एनालाइज कर पाएंगे। एज वेल एज बात की जाए आपका आपका रिस्क, हाँ ये होता है कि अगर आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जितने ज़्यादा स्टॉक होते हैं ना, आपकी जो रिस्क होती है वो बहुत कम हो जाती है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ। बट आपकी मार्केट में है आप, और आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में है, और आपका 15 स्टॉक है ना, तो 15 स्टॉक में आप पैसा ज्यादा कमाएंगे, ओके, आप ज्यादा मैक्सिमम स्टॉक रखेंगे तो आप पैसा कम कमाएंगे। एज वेल एज बात करें, बस उसमें रिस्क कम हो जाएगा बस उस, और अगर हम ज्यादा कम स्टॉक रखेंगे, रिस्क तो देखिए मार्केट में है, ओके, अगर कोई कहता है कि रिस्क नहीं है तो आप गलत कहता है। आप TCS का स्टॉक भी लेते हैं, कल को कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है, TCS का स्टॉक भी गिर जाएगा, ओके, और क्या कहते हैं, कोई छोटा स्टॉक है जिसको कोई जानता नहीं है, वो स्टॉक भी बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए मार्केट में रिस्क भी होता है और रिवॉर्ड भी होता है, हमें उसे कैलकुलेट करके उस तरीके से चलना चाहिए। तो अपने स्टॉक को ना ज़्यादा डाइवर्स मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मत करिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मत रखिए कि आपके पास IT के 50 शेयर है, आपके पास HUL के भी 50 शेयर, मतलब FMCG के 50 शेयर है, आपके पास मतलब दूसरे स्टॉक्स है वो भी 50 शेयर है। इस तरीके से 100-200 शेयर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम शेयर रखिए
अच्छे शेयर रखिए, तो उस तरीके से आप अगर करेंगे तो आप अपना पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे। 15 से 20 शेयर रखिए और उसी को वॉच करिए, ओके। और अपने हाँ देखिए, अपने 100-150 जो आपका होता है ना वॉच लिस्ट, उसमें देखिए कितने लगभग लगभग 250 शेयर्स आ जाते हैं। तो 250 शेयर्स का हमें एक अच्छे अच्छे शेयर्स का, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का वो एक वॉच लिस्ट बना के रखिए। आपको पता है कि यहाँ से मैं निकलूँगा तो इस स्टॉक में डालूंगा, तो इस तरीके से आप 250 स्टॉक्स को वॉच जरूर करिए, बट पोर्टफोलियो में केवल 15 से 20 शेयर ही रखिए, ज्यादा शेयर मत रखिए। अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना किस स्टॉक में होना चाहिए। देखिए, तीन तरीके की कैटेगरी होती है स्टॉक मार्केट में, अगर बात करें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप की, तो आपके लार्ज कैप में कितना स्टॉक मतलब होना चाहिए, अगर हम देखते हैं हाउ मच शुड बी द इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप। तो अगर आपके पास कितना पैसा है उस हिसाब से ना आपको केवल 60-70% लार्ज कैप में रखना है, और इसे आप 70-80 भी कर सकते हैं। जितना आप लार्ज कैप में पैसा रखेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। अब लार्ज कैप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लार्ज कैप क्या होता है, तो देखिए लार्ज कैप होता है जिसका मार्केट कैपिटल 30,000 या तो 35,000 से ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं लार्ज कैप। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लगभग 130 कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट कैपिटल ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रिलायंस देख लीजिए, लगभग 13 लाख करोड़ का है। TCS देख लीजिए, HDFC देख लीजिए, इन्फोसिस, HUL, तो ये बहुत सारे, ये सारे के सारे स्टॉक है ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। एज वेल एज किस तरीके से निकालते हैं मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू यूज स्क्रीन, उसे देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए लार्ज कैप आप स्टॉक निकाल सकते हो। अगर बात करें ये सारे के सारे लार्ज कैप है, बट आपको सारे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, जैसे कि कहा है ना कि अच्छे स्टॉक में आपको कम ही मतलब डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। डोंट पुट एग्स इन अ सिंगल बास्केट, सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए, अलग अलग बास्केट में रखिए। मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए, बट आपको इतना भी डाइवर्सिफिकेशन में इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप 50-100 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख लें। इस बात को याद रखना, इस चीज़ को मैं कर चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप पैसे, आपका रिस्क कम हो जाता है, बट आपको पैसा नहीं, आपका मार्केट में पैसा नहीं बनता। आप उस, आपको जो पैसा आपको अर्न करने के लिए आया ना, वो उस तरीके का पैसा नहीं बनता, तो हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितनी लगभग लगभग 130 कंपनी ऐसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका मार्केट कैपिटल ना 30,000 करोड़ से ज़्यादा का है, तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई लार्ज कैप कंपनी। अब वो बात करते हैं कि लार्ज कैप कंपनी हमने 60-80% का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मिड कैप, देखिए स्मॉल लार्ज कैप में भी आपको इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप मतलब लो रिस्क, बहुत कम रिस्क। मिड कैप मतलब आपका रिवॉर्ड भी अच्छा आएगा और आपका रिस्क है ना लार्ज कैप से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें हमें 15-20% का ही इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब मिड कैप कंपनी क्या होती है, तो मिड कैप कंपनी वो कंपनी होती है जिनका मार्केट कैपिटल ना लगभग 10,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ के आसपास होता है, बिटवीन दिस पॉइंट होता है ना, तो उसे कहते हैं मिड कैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका मिड कैप इस तरीके, जो मिड कैप में जो जिनका मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ से लेके इस तरीके का है। तो आपको इनमें से, कंपनी में से आपको चूज़ करना है कि आपको देखना है, आपको फाइनेंशियल देखना है। मैं आपको डेली दिखाता हूँ कि फाइनेंशियल किस तरीके से हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं, सब कुछ उसमें नहीं कवर होता, बट स्टिल बहुत कुछ कवर हो जाता है। चार्ट पैटर्न देखते हैं, बहुत की सारी चीज़ें देखते हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब बात करें लार्ज कैप की, तो यहाँ पर देख लीजिए लार्ज कैप में अगर बात करें, ये निफ्टी 100 स्टॉक्स है, पहले जो 50 स्टॉक्स है ना, जो अच्छे स्टॉक है उनकी ये लिस्ट है। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ये देखिए सारे की सारे यहां पर स्टॉक्स है, एक एक आप देख लीजिए पॉज कर करके, तो यहां आपको पता चल जाएगी कि ये निफ्टी 100 स्टॉक्स, मतलब कहते हैं ना निफ्टी 100 लार्ज कैप स्टॉक्स, तो ये सारे के सारे वो है। और इसके अलावा मिड कैप की बात करूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मिड कैप 100 स्टॉक्स की लिस्ट है, यहां पर आप पॉज कर करके देख सकते हैं और इनकी आप अलग से स्टडी कर सकते हैं। तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को लार्ज कैप में कितना रखिए, 60-80%। मैंने 60-70 लिखा है आपके हिसाब से, बट अगर बात करें यहाँ पर लार्ज कैप मिड कैप की, तो 15-20% का आप मिड कैप में रखिए, और बात रखिए स्मॉल कैप की, तो 5-10%। स्मॉल कैप में पैसा हमेशा कम होना चाहिए, और स्मॉल कैप क्या होता है जिसका जो मार्केट कैपिटल है ना वो 10,000 करोड़ से कम की होती है। अगर नहीं, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ मार्केट कैपिटल के हिसाब से, तो यहाँ पर देखिए जो ये दिख रहा है मार्केट कैपिटल, 7 लाख करोड़ रुपये की कंपनी, 1 करोड़ रुपये की कंपनी, तो इस तरीके से जिनका मार्केट कैपिटल कम होता है ना, 1,000 करोड़ की, 12,000 करोड़,
सॉरी 2000 करोड़ की, 3000 करोड़ की कंपनी, 4000 करोड़ की कंपनी, ये सारे के सारे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आई आते हैं। और अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करूँ तो देखिए ये शेयर्स है, यहाँ पर आप पॉज कर करके देख सकते हैं। बाकी आप वहाँ पर गूगल पर भी डालेंगे कि निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी 100, इस तरीके से निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरीके से डालेंगे तो आपको ये सारे के सारे शेयर्स पता चल जाएगी, जो क्या कहते हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती है, बट आप ढूंढ लीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी स्मॉल कैप में आपको किस तरीके से शेयर है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी स्मॉल कैप क्या होता है, जो 10,000 करोड़ से नीचे का जिनका मार्केट कैपिटल होता है वो कहते हैं स्मॉल कैप, 10 से 30 के बीच में जो आता है उन्हें कहते हैं लार्ज कैप, ओके, और सॉरी मिड कैप, और अगर बात करें 30,000 से ऊपर चले जाता है तो वो लार्ज कैप में कैलकुलेट किया जाता है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अब ये हो गया, देखिए लार्ज कैप में आपको 60-80%, 15-20% आपको किस में करना है, मिड कैप में, और आपका जो बचा हुआ 5-10% है वो ही स्मॉल कैप में करना है, इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना। स्मॉल कैप का मतलब है कि रिवॉर्ड भी एक साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर जो स्टॉक्स होते हैं सारे वॉलेटाइल होते हैं, तो भागेंगे तो बहुत तेज भागेंगे और गिरेंगे तो आपके पैसे को जीरो भी कर सकते हैं, इस बात को याद रखना। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड करके रखिए पोर्टफोलियो में को किस तरीके से बनाना है, ये मैंने आपको व्यू दे दिया है, कौन कौन से स्टॉक होने चाहिए वो भी ध्यान रखिए। अब एग्जांपल दे लेते हैं, एक पर्सन है, मानिए कि एक पर्सन है ABCD, कोई भी आपका एक पर्सन नज़र आता है, ओके, कि आप एक आदमी है, उसके पास 1,00,000 रुपये हैं, ओके, और उसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है, ओके, उसे इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, तो किस तरीके से करना चाहिए, तो ही शुड इन्वेस्ट 70K to 80K, मतलब 70,000 से 80,000 रुपये उसे लार्ज कैप स्टॉक में लगाना है। लार्ज कैप स्टॉक मतलब, लार्ज कैप स्टॉक का मतलब हो गया सिंपल कि आप जो पैसा लगा रहे हैं ऐसी कंपनी में लगा रहे हैं जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ओके, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, ये सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक है, तो आपको उन स्टॉक्स में लगाना है। अब देख लीजिए आपका जैसे कि 70 से 80 हज़ार में भी ये नहीं है कि आपने एक ही स्टॉक में लगा दिया, आपने रिलायंस के 4-5 शेयर ले लिए, ओके, आपने TCS के 4 शेयर ले लिए, आपने HDFC के 4-5 शेयर ले लिए, इस तरीके से अलग अलग, मतलब 70,000 रुपये को आपको 10 स्टॉक ऐसे बना लीजिए जिनमें आप क्या कहते हैं, या 7 स्टॉक ऐसे बना लीजिए जिसमें आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका लार्ज कैप में 70,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया। अब बचा 20,000 रुपये आपको मिड कैप में लगाने हैं, तो मिड कैप के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, मिड कैप में देखिए बाटा आता है, ओके, मिड कैप में आपका और भी बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, आप यहाँ पर चेक करेंगे जैसे कि जुबिलेंट फूड आता है, तो उन सारे स्टॉक्स में आप कितना पैसा लगाइए उसमें 20K, जैसे कि आपके पास 20 है, मतलब 4 से 5 स्टॉक ऐसे चूज कर लीजिए कि आपने ए स्टॉक में लगा दिए, मिड कैप के ए स्टॉक में लगा दिए 5,000 रुपये, फिर दूसरे स्टॉक में लगा दिए मिड कैप में 5,000 रुपये, इस तरीके 4 स्टॉक में 5,000 रुपये लगा दिए, तो देखिए 7 स्टॉक यहाँ खरीदे, 5 स्टॉक आपने यहाँ खरीदे, और बाकी के यहाँ पर 10,000 रुपये में आपने स्मॉल कैप जो भी जितने भी स्टॉक होंगे, ओके, उसमें आप उसमें दो तीन शेयर उसमें चूज कर लीजिए और उसमें लगा दीजिए 3,000-3,000 रुपये, 4,000-4,000 रुपये, ओके, इस तरीके से आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, और जब उसके रिटर्न आपको मिलेंगे ना तो बेहतरीन मिलेंगे। और हमेशा याद रखना, जो भी आप ये चूज करेंगे ना, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इसमें आपको लीडिंग स्टॉक चूज करने हैं, आपको बेकार स्टॉक चूज नहीं करने, आपको मार्केट के हिसाब से नहीं चलना कि मार्केट में ये स्टॉक भाग रहा है तो इसमें लगा दिया, ये स्टॉक भाग रहा है तो इसमें लगा दिया, नो, आपको केवल सिंपल ये है कि आपको आप जो लीडिंग स्टॉक है जिनके 10 साल के परफॉर्मेंस अच्छा है, जो आने वाले 10 साल भी चलेंगे, ऐसी कंपनीज में आपको पैसा लगाना है, और उनके चार्ट पैटर्न आपको देखने हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा फाइनेंशियल देखना है कि डेट ज़्यादा तो नहीं है, डेट फ्री कंपनी है या नहीं है, और कंपनी का फाइनेंशियल्स किस तरीके से है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इस तरीके से आपको ये सब चीज़ चेक करनी है, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोज में बनाता रहता हूँ, आपको स्मॉल कैप भी बताता हूँ, लार्ज कैप भी बताता हूँ, मिड कैप भी बनाता हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ देखिए, यहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको मल्टीपल वीडियोज़ दिख जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, यहाँ पर वीडियोज में जाइए, देखिए अलग अलग स्टॉक आपको मिलेंगे और बेहतरीन स्टॉक मिलेंगे जिन्होंने आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है। तो इस तरीके के शेयर को आपको चूज करना है, इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो बनाना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड करना है, लार्ज कैप में भी आपको ज्यादा पैसे, मतलब 4-5 स्टॉक चूज करने हैं, मिड कैप में भी आपको 3-4 स्टॉक चूज करने हैं, स्मॉल कैप में भी आपको 3-4 स्टॉक चूज करने हैं, इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को कम, मतलब आप
अपने पोर्टफोलियो में कम स्टॉक रखिए, 15 से 20 स्टॉक रखिए, ज़्यादा स्टॉक मत रखिए। ओके, ज़्यादा स्टॉक रिस्क बेशक से कम हो जाएगा बट रिटर्न भी नहीं आएगा, आपको बताना चाहता हूँ। बट मिड मतलब बीच में रहेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और आपका रिस्क भी कम रहेगा, और अच्छे स्टॉक में रहेंगे तो रिस्क बिल्कुल ना के बराबर ही रहता है। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़िए ताकि इस तरीके की वीडियो उन्हें मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।